अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे और अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे यूजिंग CSS। तो आज हम स्टार्ट करेंगे CSS को बिल्कुल बेसिक से, और साथ साथ हमारी HTML के टैग्स भी चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को बता देते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, एंड देन वी हैव हेड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। और हेड के अंदर हमारे पास आएगा टाइटल का ओपनिंग एंड टाइटल का क्लोजिंग टैग। और यहाँ पर हम कहेंगे CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बेसिक्स, ठीक है। या फिर हम कहते हैं CSS कलर्स, ठीक है। ओके, हेड के बाद हमारे पास आती है बॉडी। तो बॉडी का ओपनिंग एंड बॉडी का क्लोजिंग, और जितना भी हम बॉडी में काम करेंगे वो सारा डिस्प्ले होगा आपका इस बॉडी के अंदर। ओके, यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जस्ट गो विद H1 का ओपनिंग, H1 का क्लोजिंग। और हम कहेंगे दिस इज H1 टैग। और यहाँ पर हमारे पास आएगा, लेट्स से H3 लिख लेते हैं, एक H3 का ओपनिंग एंड H3 का क्लोजिंग। और हम कहते हैं दिस इज H3 टैग। ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पर हमारे पास H1 और H3 आ गए। अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि ये जो H1 है इसका मुझे कलर चाहिए रेड, एंड जो H3 है इसका मुझे कलर चाहिए ब्लू, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी अप्लाई करेंगे CSS। अब CSS अप्लाई करने के तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है इन लाइन CSS, मतलब कि जहाँ पर ओपनिंग टैग है वहीं पर आप अपनी स्टाइलिंग शुरू करते हैं। तो हमारा ओपनिंग टैग यहाँ पर एंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर ही अपनी अपनी स्टाइलिंग शुरू करनी। देन वी हैव इंटरनल CSS, मतलब जिस फाइल में आपकी HTML की डॉक्यूमेंट है उसी फाइल में आप CSS रखें। एंड देन वी हैव इन द लास्ट दैट इज एक्सटर्नल CSS, मतलब एक फाइल आपकी HTML की बनी हुई है और एक न्यू फाइल आप बनाएंगे CSS की, जो हम करेंगे जब हम VS कोड में जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल CSS से। ओके, CSS लिखने के लिए आपको ओपनिंग टैग में जाना है एंड स्पेस। मेक श्योर कि टैग में एलिमेंट में, ठीक है, एलिमेंट जो आपका है और जो आप स्टाइल लिखेंगे उसमें स्पेस लाजमी हो। स्टार्ट कैसे करेंगे CSS अपने, स्टाइल, ठीक है, एंड देन इक्वल टू एंड देन योर कोटेशन मार्क्स। अब मुझे जो प्रॉपर्टी चेंज करनी है वो है कलर। कलर का मतलब है आपका टेक्स्ट कलर। यहाँ पर हम जाके लिखेंगे कलर एंड देन कॉलन्स, ठीक है। और जो भी अब आपने वैल्यू रखनी है तो हम कहते हैं रेड एंड सेमी कॉलन एंड में लाजमी लगाने हैं। सेव करें, यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करें एंड आपका कलर चेंज हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पर H3 में जाके हम कहते हैं स्टाइल एंड इक्वल्स टू एंड डबल कोटेशन मार्क्स एंड देन अगेन कलर, और यहाँ पर हम कहते हैं ब्लू एंड एंड में सेमी कॉलन। ये आपका H3 ब्लू हो चुका है। अब एक तरीका ये तो है, लेकिन ये प्रेफर्ड तरीका नहीं है। रीज़न ये है कि आपका कोड काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी हसल सी बन जाती है यहाँ पर। तो हम चलेंगे इसको, हम यहाँ से मिटाते हैं एंड हम करेंगे इंटरनल स्टाइलिंग। अब इंटरनल स्टाइलिंग के लिए आपने करना क्या है, आपने अपने हेड के अंदर जाना है। मेक श्योर आप अपने हेड के अंदर हो। तो टाइटल के बाद यहाँ पर आके, अब जैसा कि हमने पहले बात की थी, HTML जो है वो टैग्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपने स्टाइल का टैग ओपन करना है। तो स्टाइल का ओपनिंग टैग एंड स्टाइल का क्लोजिंग टैग, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अब सिंटैक्स देखने क्या होता है। सबसे पहला हमारा यहाँ पर होता है सेलेक्टर, यानी जो भी आपने एलिमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे कि H1, H3 या कुछ भी। फिर हमारे पास आती हैं कर्ली ब्रेसेस। उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मेक श्योर उस उनके अंदर ही हो, यहाँ पर आपने लिखनी है प्रॉपर्टी, जैसे हमने लिखी थी कलर की, ठीक है, प्रॉपर्टी कॉलन, और यहाँ पर उसकी वैल्यू, यानी कि रेड ब्लू और एनीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, लेट्स से ये प्रॉपर्टी 1 होगी, प्रॉपर्टी 2, 3, 4, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो मेक श्योर कि इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आए। स्टार्ट करते हैं, ये सिंटैक्स यहीं पर लिखा रहे आपके रेफरेंस के लिए। हम कहते हैं देखिए हमने स्टार्ट शुरू करना है H1 को, तो सिंपली हम यहाँ पर कहेंगे H1, ये हमारा हो गया सेलेक्टर एंड देन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। मेक श्योर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप सारी स्टाइलिंग करें।
प्रॉपर्टी हमने जो चेंज करनी है दैट इज कलर, तो कलर कॉलन्स एंड देन रेड एंड सेमी कॉलन। सेव करें, यहाँ पर आए, इसको रिफ्रेश करें तो देखें आपका कलर रेड ही है। ठीक है, अब लेट्स से मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड स्टैंड्स फॉर, ये जितना भी पीछे इसके H1 के पीछे है, ठीक है, तो हम कहेंगे बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड डैश कलर एंड देन कॉलन्स एंड लेट्स से इसको कहते हैं ब्लैक एंड सेमी कॉलन। अब मेक श्योर कि इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आप सब कुछ लिखें, ठीक है, तो जितनी मर्जी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो सारा कुछ होगा इस टैग के अंदर। तो यहाँ पर इसको करते हैं सेव एंड इसको आगे करते हैं रिफ्रेश। लाओ आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। ओके, सिमिलरली हम सेकंड, हमारे पास जो एलिमेंट था वो था H3, तो हम कैसे टारगेट करेंगे H3 को, सिमिलरली वैसे ही जैसे H1 को किया था, तो H3 मतलब सेलेक्टर मेरा H3 है, कर्ली ब्रेसेस एंड देन कलर की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो कलर एंड लेट्स सी इसको हम कहते हैं ब्लू सेमी कॉलन एंड देन अगेन इसका जो बैकग्राउंड डैश कलर होगा दैट वुड बी लेट्स से पिंक एंड सेमी कॉलन। सेव एंड यहाँ पर आके रिफ्रेश, तो ये देखें आपका फोरग्राउंड कलर हो चुका है ब्लू और जो बैकग्राउंड कलर है दैट इज पिंक। इस तरह हम अपनी स्टाइल्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही था हमारा टास्क, तो नेक्स्ट वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता करके हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टैग्स को और एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।